ड्राइव कर्व के अंदर मेन्यू में इंसर्ट में ड्राइव कर्व के अंदर हम लोग सबसे पहले यूज़ करेंगे आज एक्सट्रैक्ट वर्चुअल कर्व्स। इसके अंदर क्या है, आप इसके अंदर जो भी आपके पास सिलेंड्रिकल सरफेस है उस सिलेंड्रिकल सरफेस की एक्सिस जो भी है उस एक्सिस को निकाल सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, अगर आपने कहीं पे कोई राउंड लगा रखा है तो उस राउंड पे जहाँ पे इंटरसेक्शन पॉसिबल है फेसेस का वहाँ पे इंटरसेक्टिंग कर्व आप जनरेट कर सकते हैं। या तीसरा क्या है, अगर आपने दो फेसेस के बीच में कोई ब्लेंड कर रखा है, कोई फिलेट लगा रखा है, तो उन फिलेट के बीच में जो कॉमन कर्व आएगा वो जनरेट कर सकते हैं। तो वर्चुअल कर्व ये तीन काम यहाँ पे कर सकता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैंने ये दो सिलेंडर बना लिए हैं, दोनों हॉलो भी कर लेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। अब पहले मैं एक काम करता हूँ, इनके बीच में एक फेस ब्लेंड लेते हैं। फेस ब्लेंड के लिए मैंने एक फेस ये सिलेक्ट किया और एक फेस ये सिलेक्ट किया। तो इन दोनों फेसेस के बीच में एक ये ब्लेंड लग जाएगा, मैं इसे करता हूँ ओके। और एक मेरे को ऊपर भी चाहिए तो मैं एक यहाँ से एज ब्लेंड लेके एक एज ब्लेंड ऊपर बना देता हूँ और ओके। तो ये ज्योमेट्री मेरी कंप्लीट है। अब मेरे को अप्लाई करनी है अपनी कमांड, उसके लिए आप इंसर्ट में जाइए, ड्राइव्ड कर्व के अंदर जाएंगे और यहाँ से लेते हैं वर्चुअल कर्व। वर्चुअल कर्व के अंदर यहाँ पे तीन ऑप्शन है हमारे पास, एक तो है रोटेशन एक्सिस, रिवॉल्व फीचर कौन सा है उसे क्लिक करिए। देखिए बीच में एक लाइन जो एक्सिस लाइन है इस सिलेंडर के लिए वो यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। तो कोई भी सिलेंडर का सरफेस है उसके लिए अगर आपको जनरेट करनी है उसकी एक्सिस, तो उसके लिए हम लेंगे एक्सट्रैक्ट कर। एक्सट्रैक्ट कर लिया, इस सरफेस को सिलेक्ट करिए और इसके अंदर भी वो आ गया होगा, देखिए हल्का सा आपको शो भी हो रहा है और ओके यहाँ पे आ रहा है ये, ठीक है। तो ये एक्सिस इसकी आ जाएगी। फिर दूसरा ऑप्शन क्या था, जो हमारे पास ब्लेंड है उस ब्लेंड के बीच में कॉमन जो इसकी फेस है, जो आपके पास ब्लेंड है उसकी सेंटर लाइन जनरेट कर देगा। तो हम यहाँ से जाते हैं और लेते हैं ब्लेंड सेंटर लाइन, ब्लेंड सेंटर लाइन लेते हैं और ब्लेंड को क्लिक करिए और करते हैं अप्लाई। सॉरी, ये ब्लेंड ये वाला लेगा, ब्लेंड इस वाले को लीजिए, इसका कॉमन एक्सिस आ जाएगा, ठीक है। इसकी जो सेंटर लाइन पॉसिबल हो पा रही होगी ये उसको ले लेगा, ये देखिए चारों तरफ से इसको लेगा, जो भी शेप है उसकी बीच की सेंटर लाइन को। फिर यहाँ से आते हैं और तीसरा ऑप्शन है हमारे पास वर्चुअल इंटरसेक्शन। वर्चुअल इंटरसेक्शन के लिए ब्लेंड फेस सेलेक्ट करिए, ये ब्लेंड फेस, तो इंटरसेक्शन जहाँ पे इस फेस का और प्लानर फेस का हो रहा है वहाँ पे आपको ये कर्व मिल जाएगा। तो ये वर्चुअल कर्व जो है वो यहाँ पे तीन तरीके से पॉसिबल है, तीनों तरीके हम लोगों ने करके देख लिए। इसके बाद आता है, उसके लिए यहाँ से इंसर्ट में जाते हैं और हमारे पास यहाँ से आइसोलाइन कर्व। आइसोलाइन कर्व क्या करेगी, ये कुछ आइसो लाइन कुछ हमारी ऐसी कमांड है जैसे हमने यूज़ किया था यहाँ से आइसो पैरामेट्रिक कर्व्स, कुछ इसकी तरह ही है लेकिन ये कुछ सर्टेन एंगल पे भी हो सकती है। तो पहले आप यहाँ से सेलेक्ट करिए फेस को, ये हमारा फेस सेलेक्ट हो गया। फिर आता है स्पेसिफाई वेक्टर, वेक्टर एक डिफाइन करिए, वेक्टर हमने डिफाइन किया। तो आइसो लाइन जो आ रही है एक जीरो एंगल पे इस टाइप से आ रही है, मैं इसे मल्टीपल ले लेता हूँ। और मल्टीपल लेने से क्या होगा, इसकी सरफेस पे बहुत सारी आइसो लाइन आ गई है, ये आइसो लाइन है, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे आइसो लाइन के ऊपर जनरेट हो गए हैं। इंटरवल 10-10 के एंगल का डिफरेंस आ रहा है, 90-90 से स्टार्ट होके 90 तक के बीच में ये कर्व्स हमारे बन रहे हैं। और ठीक लगता है तो इसे ओके कर दीजिए, ये ओके हो जाएगा। इसका एक दूसरा एग्जांपल भी हो सकता है, उसको भी देखते हैं। इसके सेकंड ऑप्शन के लिए हम लोग क्या करते हैं, मैंने एक यहाँ पे एक स्पेयर बना लिया है। स्पेयर के बाद फिर आप यहाँ से जाइए ड्राइव कर्व में और यहाँ से आइसोलाइन, आइसोलाइन कर्व में जाके मैंने यहाँ से सिंगल रखा और इसे फेस को सिलेक्ट करता हूँ और वेक्टर मैंने ये ऊपर की तरफ ले लिया वर्टिकल। जीरो के एंगल पे ये कुछ ऐसा आ रहा है, अगर मैं इसका एंगल कर देता हूँ 30 तो ऐसा आएगा, फिर एंगल में कर देता हूँ इसको 45 तो ये थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा। या फिर अगर हम इसे लेते हैं मल्टीपल, तो मल्टीपल के अंदर देखिए ये 10-10 के इंटरवल पे -90 से +90 तक कर्व सारे बन रहे हैं।
चेंज करके देखना चाहते हैं तो हम एक काम कर लेते हैं, इसको मैंने नीचे वाले को 45 कर दिया, तो ये बिल्कुल नीचे तो स्टार्ट हो रही है और ऊपर ये 45 के एंगल तक जाएगा प्लस में। तो इस टाइप से आप ये कर्व्स को जनरेट कर सकते हैं। ओके कर दीजिए, ये कर्व आ गए हमारे पास। इन कर्व को आगे जैसे भी आप यूज़ करना चाहते हैं यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली 3D के कर्व बनाने के लिए ही हम लोग आइसोलाइन को यूज़ कर रहे हैं। तो दो मेथड इसके मैंने बताया आपको, एक तो ऐसे यहाँ पे यूज़ किया और एक हमने यहाँ पे यूज़ किया है। नेक्स्ट ऑप्शन के लिए हम लोगों ने मैंने ये दो कर्व यहाँ पे बना लिए हैं। एक तो मेरे पास हेलिक्स है और एक मेरे पास SP लाइन है, ये दो मेरे पास है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों अलग अलग हैं, एक तो और इन दोनों के बीच में कॉर्नर भी आ रहा है। मैं चाहता हूँ ये कॉर्नर स्मूथ हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से जाना पड़ेगा इंसर्ट, इंसर्ट में आकर ड्राइव कर, और ड्राइव कर में यहाँ से लेंगे हम सर्कुलर ब्लेंड कर, ये लेते हैं। और यहाँ से जाके मैंने पहले कर्व को सिलेक्ट किया, फिर सेकंड कर्व कौन सा है, ये वाला मेरा सेकंड कर्व है, और ये जो पॉइंट है कुछ ज़्यादा दूर चला गया, तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से इसका ले लेते हैं कुछ 7 का। और ये देखिए यहाँ से जो डायरेक्शन ऑप्शन है वो वेरिएबल रखिए, और रेडियस का ऑप्शन हम 0.2 ये वाला है, तो इसके हिसाब से कुछ ये इसका रेडियस लेने की कोशिश करेगा। और ये मैंने 7 का डाल दिया, आप इसे कुछ 8 का भी डाल सकते हैं, रेडियस थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। और ओके कर देते हैं तो ये यहाँ पे राउंड हो जाएगा। लेकिन राउंड होने के बाद अब यहाँ पे एक कॉर्नर बच गया है, इस कॉर्नर को अगर कट करना चाहते हैं तो फिर हमारे पास यहाँ पे ट्रिम का ऑप्शन है, ट्रिम कर्व। ट्रिम कर्व में इस वाले कर्व को ट्रिम करना चाहते हैं, कौन सा ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, इस वाले के ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में, और कर देते हैं अप्लाई, कट हो गया। फिर से लेते हैं, इस हेलिक्स को हम कट करना चाहते हैं और विद रेस्पेक्ट टू दिस ब्लेंड कॉर्नर जो है, और अप्लाई हो गया। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मेरे पास अब एक ये कर्व है, एक ये ब्लेंड वाला कॉर्नर है, और एक हेलिक्स है, तीन कर्व मेरे पास यहाँ पे हो गए। मैं अगर इन तीनों कर्व को ज्वाइन करना चाहता हूँ, आपस में जोड़ना चाहता हूँ, इनको ज्वाइन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कंपोजिट कर्व है, या फिर आप यहाँ से इंसर्ट से जाएंगे, इंसर्ट में ड्राइव कर्व, और ड्राइव कर्व के अंदर आपको मिल जाएगा कंपोजिट कर्व। कंपोजिट कर्व क्या करेगा, जो भी आपके पास कर्व हैं जो टच कर रहे हैं आपस में, इन सब को सिलेक्ट के लिए 3 कर्व मैंने सिलेक्ट कर दिए, और हाइड ओरिजिनल, जो ओरिजिनल होगा वो हाइड हो जाएगा। और इसे सेल्फ इंटरसेक्टिंग वाले को प्लीज़ मत लीजिए, क्योंकि ये जब आप बनाएंगे कुछ उसके बाद तो उसमें प्रॉब्लम करेगा ये सेल्फ इंटरसेक्टिंग वाला। तो मेरे पास एक ये कंपोजिट कर्व बन गया है, इसके अंदर मेरे पास 3 कर्व जुड़े हुए हैं, जो कि मैंने क्या किया था, एक हेलिक्स बनाया, एक एसपी लाइन बनाई, एक ब्लेंड कर्व बनाया, इन तीनों को ज्वाइन करने के बाद मेरे पास आया ये कंपोजिट कर्व। अब इस कंपोजिट कर्व को मैं चाहता हूँ कि ये कुछ 3D में स्प्रिंग टाइप का सॉलिड हो जाए, तो आप स्वीप में जाइए, और स्वीप में हमारे पास यहाँ पर ट्यूब है, आप ट्यूब लीजिए, और कितने का रेडियस होना चाहिए आउटर डाया, आप फिर प्रीव्यू करके देख लेते हैं, थोड़ा सा टाइम जरूर लेगा, और ये इस टाइप से आ जाएगा, और ठीक लगता है तो ओके कर दीजिए, तो ये हमारा कंबाइन होके एक स्प्रिंग आ जाएगा। इस टाइप से आप और भी बहुत सारी शेप बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के कर्व को ले रहे हैं। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और इसके साथ मैं एक बात और कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और लाइक करिए। थैंक यू सो मच।